हर्बल रेमेडीज एंड नेचर स्ट्रेजर में आपका स्वागत है मित्रों। आज डायबिटीज ट्री की बात करेंगे। वर्नोनिया अमाइगेडेलिना एस्टेरेसी फैमिली का ये श्रबिशियस प्लांट आप देख रहे हैं। कई प्रकार से हम लोग उपयोग में लाते हैं और आपके स्वास्थ्य के लिए मैं समझता हूँ कि मेडिसिनल प्लांट ही सेफेस्ट रेस्क्यू हो सकते हैं और कई प्रकार के डिसऑर्डर्स के लिए आसान समाधान भी हो सकते हैं। किस प्रकार से हम इनको उपयोग में ला सकते हैं, क्या सावधानियां हम रख सकते हैं, ये अवश्य जानना चाहिए। मेडिसिनल प्लांट को अगर सही तरह से हम लोग नहीं ले सकते या इनके सूटेबल कॉम्बिनेशन हम नहीं जानते हैं या फिर हमें ये आभास नहीं होता है कि क्या इसके साथ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं, तो ये अवश्य जानेंगे। मित्रों, वर्नोनिया अमाइगेडेलिना को ये जो डायबिटीज ट्री आप देख रहे हैं, इसके पत्र का जूस 5 ml पर्याप्त होता है और वो 5 ml जूस लीवर और किडनीज के डिसऑर्डर्स को ठीक करने का कार्य करता है। लीवर के डिसऑर्डर्स जब ठीक हो जाते हैं, लीवर डिटॉक्सिफाई हो जाता है, तो कई प्रकार के रोग स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ डायबिटीज़ की, डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए आप इसको उपयोग में ला सकते हैं। 5 ml जूस कई प्रकार का कार्य करता है। सबसे पहले तो ये ब्लड के ग्लूकोज को रेगुलेट रखता है और उस जूस के अंदर कई प्रकार के माइक्रो मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का कार्य करते हैं। उस जूस के अंदर पित्त की प्रकृति को कंट्रोल करने का कार्य होता है, कफ को कंट्रोल करने का उसका प्रभाव होता है और कई प्रकार के डिसऑर्डर्स को ठीक करने का कार्य करता है। इन्फ्लामेशन, सूजन, मोच, रेडनेस, इचिंग, इन सब में भी अच्छा कार्य करता है और उस जूस के अंदर पाए जाने वाले कई प्रकार के पॉलीफेनोलिक कंपाउंड और एंटीऑक्सीडेंट्स एंटी एजिंग का भी कार्य करते हैं। मित्रों, उसका जूस जो होता है, इनके पत्रों का जो जूस इंटेस्टाइन के अंदर छिपे हुए हार्मफुल बैक्टीरियाज के लिए, फंगल इन्फेक्शन के लिए, उनको मारने के लिए काफ़ी प्रभावकारी होता है। पेट के अंदर कीड़े हों उनको भी बाहर निकालता है। आसान समाधान है, अल्सर के हील करने में भी सहायक होता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है और प्रॉपर हार्मोन को रेगुलेट करते हुए इनडाइजेशन की समस्या को भी ठीक करने का कार्य करता है। तो में अगर दर्द है तो मित्रों, आप इसकी सॉफ्ट एक ट्विग लेकर च्यू कर सकते हैं, चबा सकते हैं, दांतों का दर्द ठीक हो जाता है, गम ब्लीडिंग की समस्या ठीक हो जाती है, पायरिया की समस्या ठीक हो जाती है और दांतों में सेंसिटिविटी जो हो जाती है, ठंडा गर्म लगने की जो समस्याएँ हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। मित्रों, इसके कोमल पत्र का पेस्ट और इसकी छाल का आप पेस्ट बनाकर लगाते हैं तो ये एक्नी की समस्या को भी ठीक करने का कार्य करता है। छाल का पेस्ट एक्नी को हील कर देता है और साथ साथ अगर आप जूस भी पीते रहते हैं तो हीलिंग बड़ी फास्ट हो जाती है। एंटी फंगल एक्टिविटीज़, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ में बहुत सहायक होता है और पुराने से पुराने घाव को भरने में भी विशेष सहायक होता है। फोड़े या फुंसी हो गए हों वहाँ भी इसके पत्र का पेस्ट हमें लगा देना चाहिए। मित्रों, अगर बंस की समस्या हो गई है तो उसको भी दूर करने का, उसको भी हील करने का ये कार्य करते हैं। इसकी निकलने वाली जड़ और तने की छाल कई प्रकार के ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में हम लोग उपयोग में लाते हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जिसमें कि न्यूरोडिजनरेटिव डिसऑर्डर्स भी उसके अंदर आ जाते हैं, डिमेंशिया, सिज़ोफ्रेनिया, पार्किंसन डिसीज, इस प्रकार के डिसऑर्डर्स में भी ठीक करने का और ब्रेन की मेमोरी को, न्यूरो डिजनरेशन जो प्रक्रिया होती है उसको धीरे धीरे कम करके बनाए रखने का, मेंटेन करने का, क्वालिटी लाइफ देने का भी कार्य करता है। ऐसी दुर्लभ औषधि और उसके उपयोग हमें नित्य प्रति जानना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के लिए उपयोग में लाना चाहिए। मित्रों, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के लिए मॉडर्न मेडिसिन में सेफर और इफ़ेक्टिव अल्टरनेटिव्स की, हमें सब्स्टिट्यूट्स की, हमें रेमेडीज़ की हमें आवश्यकता है और निरंतर इसके लिए हम लोग प्रयासरत भी रहते हैं, लेकिन प्लांट्स के माध्यम से मैं समझता हूँ कि हम लोग अच्छे समाधान की तरफ जा सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था में इन्हीं प्लांट के माध्यम से क्वालिटी लाइफ देने में हम लोग इनकी सहायता ले सकते हैं। प्लांट से आप अगर डिसऑर्डर्स की हीलिंग में सहायता लेते हैं तो रिकरेंस के चांस नहीं होते हैं, बीमारी के दोबारा होने का चांस नहीं होता है, अन्यथा
कई प्रकार के डिसऑर्डर्स में आपने देखा होगा, जब तक आप दवाई खाते हैं तो आपको आराम रहता है, और दवाई बंद करने के बाद आपको वो बीमारी पहले से ज़्यादा वेग के साथ आपको पीड़ा देने वाली बन जाती है। ऐसा स्टेरॉयडल ड्रग्स के उपयोग के साथ और हमारी नेचुरल इम्यूनिटी को सप्रेस करके जो हम दवाई खाते हैं, मॉडर्न मेडिसिन में भी ऐसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो इस प्रकार का अपना फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज शो करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्लांट के माध्यम से जो हीलिंग होती है वो ना केवल टॉक्सिन्स को रिमूव करने के साथ साथ बल्कि इसके समाधान रोग के जड़ को भी ख़त्म करने वाला समाधान होता है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। सही अवस्था में रोग की पहचान और प्लांट्स का सूटेबल कम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। आप और अधिक जानकारी के लिए हमारी स्पेसिफिक प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। अपने डिफरेंट डिसऑर्डर्स के लिए आप हमें ईमेल करके भी अपने क्वेरीज के लिए हमसे अपने आवश्यकतानुसार जवाब मांग सकते हैं, अपनी क्वेरीज को हमसे साझा कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ, नए समाधान के साथ। आप जानकारी से चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नित्य आने वाली जानकारी आपको मिलती रहे। प्रणाम, नमस्कार।